Now we will discuss the solution of test number 103. The first question is, when will you say a body is in uniform acceleration and body is in non-uniform acceleration? Then first condition कि कब बोलेंगे कि body uniform acceleration में है? तो body has uniform acceleration if its velocity changes by equal amount in equal interval of time. अगर equal velocity change हो रहा है equal time interval में तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, जैसे कि एग्जांपल हो गया मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। दूसरा है कि बॉडी हैज मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे, तो बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज हो रहा है तो उस तरह के एक्सेलरेशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो उसका एग्जांपल हो जाएगा मोशन ऑफ ए बस ऑन ए क्राउडेड रोड। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 103 इज दैट ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। पहले उसका स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर था और 80 से 60 हो गया 5 सेकंड में, तो उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो 80 किलोमीटर पर आवर इसका इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर, इसको एसआई यूनिट में चेंज कर लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 5 बाय 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं 49, तो ये हो गया 200 बाय 9 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, 30/9, ये और भी रिड्यूस हो सकता है लेकिन हम लोग अगर ऐसे काटेंगे तो रिड्यूस करने में ज़्यादा आसानी होगा, सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगा। और एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग जानते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड बाय 9 माइनस 200 बाय 9 डिवाइडेड बाय 5। टाइम यहाँ दिया हुआ है 5, टाइम जो है वो है 5 सेकेंड। तो सॉल्व करने के बाद 150 बाय 200 जाएगा तो माइनस 50 बाय 9 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लोग 10 बार में काट सकते हैं और माइनस 10 बाय 9 इक्वल टू आएगा माइनस 1.11 मीटर पर सेकंड, यानी कि बॉडी रिटार्ड कर रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ 1.1 मीटर पर सेकंड क्योंकि एसआई यूनिट एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 103 दैट ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन मींस ट्रेन इज एट रेस्ट दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो and moving with uniform acceleration, acceleration is uniform, attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. This train attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes, that is final velocity is 40 km per hour. तो उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने के बाद 11.11 मीटर पर सेकंड आएगा। टाइम दिया हुआ है 10 मिनट इक्वल टू 600 सेकंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस वी बाय टी, एक्सेलरेशन फाइंड करने बोला है इसमें, तो वी माइनस वी भी हम लोग फाइंड किए 11.11 आया है, माइनस 0 डिवाइड बाय 600, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।